सो ये कुछ लॉक हमें मिलता है, अगर आप देख पा रहे हैं इधर हमारे पास चाबी है, इधर हमारे पास एक्स्ट्रा सेल्स है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सोहेल फ्रॉम आउट स्टूडियो। कैसे हो आप सब? लाइक ऑलवेज आई एम थैंकफुल दैट यू पीपल आर लाइकिंग आवर वीडियोस। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना मेरे को प्यार दिखा रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं और हमको मोटिवेशन मिल रहा है। सो आपको पता ही है हम लोगों ने बाइक ली है, बाइक ली है और एक सुपर बाइक ली है, तो उसके लिए सिक्योरिटी भी सुपर बाइक की तरह ही हमें चाहिए होती है। विद द बेसिक थिंग ऑफ अ बाइक दैट इज अ लॉक, ये एक लॉक मंगवाया है अमेजोन से। इट इज अ अलार्म लॉक, मोशन सेंसर इसमें लगा हुआ है, कोई भी अगर उसके साथ फिडल करेगा, कोई भी अगर लॉक को खोलने की कोशिश करेगा, कोई भी बाइक को हिलाने की कोशिश करेगा, तो ये सायरन अपने आप बच जाएगा। सो एज नॉर्मल वी हैव अ पेपर नाइफ एंड हमारे पास पैकेज है, सो इस पैकेज को पहले हम ओपन करते हैं। अमेजोन से मंगवाया है एंड अगर आप चाहेंगे तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो कुछ ऐसे आता है ये, चलिए इसको ओपन करते हैं। यहाँ से ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है। सो ये कुछ लॉक हमें मिलता है, अगर आप देख पा रहे हैं इधर हमारे पास चाबी है, इधर हमारे पास एक्स्ट्रा सेल्स है। अच्छी पैकिंग है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस पीछे है, ग्रूव्स के बारे में बताया हुआ है, की पोर्ट के बारे में है, बैटरी इधर इंसर्ट होती है। बैटरी रिप्लेसमेंट के लिए इन्होंने बैटरीज भी हमें एक्स्ट्रा दी है, जिसमें 6 बैटरी लगती है, LR44 या A76 बैटरी लगती है 1.5 वोल्ट की। ये इसका जो अलार्म बजता है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 110 डेसिमल लाउड। सो अगर आप बाइक मूव भी करते हैं या बाइक को शॉक भी लगता है या ये ब्लॉक पे हल्का सा इम्पैक्ट होता है तो ये अलार्म बजेगा। अलार्म जो बजेगा एक बारी मैं आपको भी दिखाऊंगा एग्जैक्टली कैसे है। एंड करोजन फ्री मटेरियल है ये, जिंक एलॉय से बना हुआ है, इसमें कभी भी करोजन नहीं होगा, टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं बिल्कुल भी। इसको अब हम ओपन करते हैं आपके साथ, बहुत ईजिली ओपन हो गया। अगर आप देख पा रहे हैं ये लॉक मेरे हाथ में है, इट इज़ प्रीटी मच लाइक अ नॉर्मल लॉक। की इसकी थोड़ी सी डिफरेंट, थोड़ी सी कर्व्ड है। अगर आप की ये वाली बनाना या ये वाली बना के इसको चोरी करना या खोलना, आई डोंट थिंक इट इज़ दैट मच ईजी। इसके साथ 3 चाबियां हमें मिलती एंड वी गेट अ सेट ऑफ 6 बटन सेल्स, 6 बटन सेल्स है। और अगर ये 6 अगर खत्म होते हैं देन यू कैन चेंज इट। इधर अगर आप देख पा रहे हैं इधर होल्स है, होल्स में यहाँ पर स्पीकर लगा होता है, इसका अलार्म सिस्टम यहाँ से बचता है। एंड इसके अंदर भी अगर पानी भी जाता है नो प्रॉब्लम, इट डजंट हैव एनी प्रॉब्लम अगर पानी भी जाता है, बिकॉज इट इज़ अ वेदर प्रूफ सिस्टम ऑल टूगेदर। सेंसर, इसमें एक मोशन सेंसर या शॉक सेंसर हुआ है। ये 2 तरीके से लॉक यूज हो सकता है। 1 इज एग्जैक्टली जैसे एक नॉर्मल लॉक होता है, आप खोलिए, नॉर्मल प्लग इन करिए। एंड अगर हम इसको दूसरे तरीके से यूज करना चाहते हैं, ये दूसरे तरीके से भी यूज हो जाएगा, विच कुड बी अ अलार्म सिस्टम। काफी सारी बातें होगी, अभी इसको मैं चला के एक बार दिखाता हूँ। सो ये इसकी चाबी है, चाबी हम इसमें इंसर्ट करते हैं, बहुत इजीली इंसर्ट होगी। इसको 90 डिग्री पे ट्विस्ट किया है मैंने और इसको ऊपर पिक करना है बस। पिक करने के बाद अगर मैं इसको ऐसे का ऐसे ही लगाता हूँ और इसको बंद करता हूँ, निकाल लेता हूँ चाबी, तो ये लॉक हो जाता है। अगर मेरे को इसको सेंसर एक्टिवेट करना है सो इसको टक घुमाना है एंड जब मैं घुमा के डालूंगा तो ये बीप करके आवाज़ आएगी। आपने सुनी लिया है कि बीप करके आवाज़ आई है, सो दैट मीन्स नाउ द अलार्म इज एक्टिवेटेड। दैट बीप मीन्स कि वो रीसेट हो गया है एंड शॉक लगता है। देन लेट सी अगेन, वो चीज़ रीसेट हुई थी और वो 3 बारी फिर बीप किया है। अगर फिर से अगर होता है देन अगेन इट विल बज 10-15 सेकेंड्स मोर। मैं एक बारी आपको इस पर शॉक दे के दिखाता हूँ। सो आपने देखा कि 10 सेकेंड्स के लिए अलार्म बजा एंड देन देयर वाज अ बीप। दैट बीप मींस कि वो रीसेट हो गया है। सो अगर आप देख पा रहे हैं इधर आपको एक स्क्रू दिख रहा होगा एंड इधर भी आपको एक स्क्रू दिख रहा होगा। सो इन दोनों स्क्रूज को मैं आपको अभी ओपन करके दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली इसके नीचे क्या है। मैंने ये दोनों स्क्रूज को ओपन कर लिए है।
सो अगर आप देख पा रहे हैं इसके नीचे का मैकेनिज्म कुछ ऐसा है. दीज आर द वायर्स दैट आर गोइंग इनसाइड दिस पर्टिकुलर पार्ट इज द स्पीकर जो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है. दिस इज़ अ चिप, दिस इज़ अ मोशन सेंसर चिप एंड इसी के नीचे अगर आप देख पा रहे हैं ये सेल्स लगे हुए हैं. ये पर्टिकुलर सेल्स जहाँ रिप्लेस हो जाएंगे सो ये एक्स्ट्रा है. इधर से आपका सेल्स चेंज हो सकते हैं एंड वी विल जस्ट क्लोज द डिवाइस कम्प्लीटली. क्लोज करने के वही प्रोसेस है जैसे हमने स्क्रूज खोले थे वैसे हमें स्क्रूज बंद भी करने हैं. एक स्क्रू पहले के अंदर लगा हुआ था उस पर बाहर आया नहीं था. एक बार ही चेक कर लेते हैं कि ये ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा. अभी जो मैंने लगाया है ये विदाउट अलार्म वाला सिस्टम है, ठीक से वर्क कर रहा है. अब जो मैं लगाऊंगा वो अलार्म वाला सिस्टम होगा. ये ठीक से वर्क कर रहा है सो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. दिस पर्टिकुलर लॉक कैन बी सूटेबल फॉर ऑल द वेदर कंडीशंस, वेदर इट इज डस्ट, वेदर इट इज डर्ट, वेदर इट इज रेन, वेदर इट इज स्नो, वेदर इट इज सनलाइट, इट कैन विदस्टैंड ऑल द वेदर. कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये कोरोजन फ्री मटेरियल से बना है, दैट इज अ जिंक एलॉय. जो बॉडी है ब्लैक कलर का जो पार्ट आप देख रहे हैं वो जिंक एलॉय से बना हुआ है. एंड दिस पर्टिकुलर लॉक कैन बी यूज इन द गार्डन, इन द शेड, इन द हाउस, गैराज, कैरावैन, बाइसाइकिल, गेट, बाइक, किसी भी चीज के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं. एंड अगर कोई बंदा इसमें डुप्लीकेट चाबी डालेगा, कुछ बनाएगा अगर वो, तो ये ऑटोमेटिकली अलार्म बच पड़ेगा क्योंकि इसकी जो लॉक की जो चाबियां है ये एग्जैक्टली यही होनी चाहिए. अगर कोई और बनाने की कोशिश करता है बिकॉज थोड़ा सा जर्क लगेगा, थोड़ा सा शॉक लगेगा लॉक को, तो वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा. एंड मेरे को ये अच्छी चीज़ लगी बिकॉज मेरे को लॉक लगाना होता है. मेरे पास एक चेन है जिसके साथ मैं बाइक को बांधता हूँ, सो आई वॉन्टेड टू हैव अ डबल प्रोटेक्शन फॉर माई बाइक. This is it guys. So this is the review for this particular motion sensor alarm that I have purchased recently from Amazon. अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, आपको लगा कि आपको कुछ नई चीज़ पता चली, things are clear for this particular lock or the product, आप प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब का बटन क्लिक करिएगा, लाइक बटन करिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी. आई विल साइन ऑफ फॉर दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आएगी, अगेन दैट कुड बी फॉर द बाइक रिलेटेड स्टफ. थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे, बाय बाय.